तो देखिए संदीप जी लगा रहे हैं दिवाली की लाइट्स बालकनी वगैरह में। आप तो जानते ही हैं जो मेरे डेली व्लॉग्स देखते हैं कि मेरे बालकनी में कितने प्लांट्स हैं, कितने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लांट्स हैं जो मैंने, मेरे गार्डन प्लांट्स हैं जो मैंने अपने हाथों से लगाए हैं। तो उस पे कितने बढ़िया तरीके से संदीप जी बड़े ही मेहनत से डेकोर करके और एकदम लपेट वपेट के देख रहे हैं, एकदम अपने आइडियाज़ वाइडियाज़ लगा के और उसमें लाइटिंग फिट कर रहे हैं, उसकी खूबसूरती उसकी रौनक और भी बढ़ा रहे हैं। तो इतना अफोर्ड इतना टाइम दे रहा है, वो इतना मुझे हेल्प कर रहे हैं, यही बहुत है मेरे लिए। क्योंकि वो अपने बिजी शेड्यूल से, अपने ऑफिस टाइम से भी, ऑफ़िस करने के बाद भी इतना टाइम निकाल के और थोड़ा सा टाइम निकाल के और उसके बाद भी नया एनर्जी लेके मेरा हेल्प कर रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच सीना जी। तो देख रहे हैं मंदिर की सजावट उन्होंने पहले ही कर दी है लाइट की, उसके बाद ही। जय श्री कृष्ण फ्रेंड। तो देखिए केसू जी हमारे यहाँ फिर से आ चुके हैं, उनके मम्मी फिर से मेरे यहाँ छोड़ के गए हैं उन्हें दिवाली के लिए, दिवाली मनाने के लिए। और ये बोंकू जी हमारे सो रहे हैं, यहाँ सब बच्चे सो रहे हैं यहाँ पर। तो अब दिवाली का दिन है आज का। हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स टू ऑल ऑफ यू। तो देखिए सबको उठाएंगे बारी बारी, तो चलिए सबको पहले उठाते हैं। तो फ्रेंड देख रहे हैं सारे बच्चे उठ चुके हैं, तो सब मेरे नन्हे मुन्ने चुन्नु मुन्ने से सब बच्चे बैठे हुए हैं। तो अब बारी बारी सबको देखिए पानी पिलाऊंगी सोने उठने के बाद, और उसके बाद अब देखिए सबका ड्रेस रेडी करके रखे हूँ, दिवाली टाइप का एकदम झगमग टाइप का ड्रेस है और सबको पहनाऊँगी। तो देखिए संदीप जी जो है अशोक के पत्ते की लड़ी और उसके बाद कमल के फूल और गेंदे के फूल ये सब लेकर आ गए हैं। मैं भी पूजा के जो है बर्तन सब धोकर लेकर आ गई हूँ। तो चलिए सब कुछ इकट्ठा करते हैं, उसके बाद इनको स्नान वगैरह करके तैयार करते हैं। तो स्नान वगैरह इनकी हो चुकी है, तो इनको देखिए मैंने तैयार कर लिया है, तो चलिए दर्शन करवाते हैं। आज का स्पेशल दिवाली का इनका श्रृंगार आज का कुछ इस टाइप का ही है। तो देखिए निक बाबा को धोती कुर्ता पहने हुए हैं, पगड़ी बांधे हुए हैं, वेलवेट का कुर्ता है निक बाबा जी का और बनारस की धोती है और पगड़ी है। और मेरी उर्मी रानी को देखिए गुलाब लगाए हुए बालों में पिंक कलर का, और पिंक कलर की लहंगा चोली है इनकी, आज की घाघरा चोली है पिंक कलर की, कितनी सुंदर लग रहे हैं। और जो है निक बाबा का पगड़ी का जो अटैचमेंट है ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, पूरा ड्रेस ही इनका मैंने अपने हाथों से बनाया, बस कुर्ती बाहर से बुटीक से मैंने बना के मंगवाया था और बाकी सब लड्डू गोपाल विद मम्पीज ब्लॉग बुटीक से ही सब बन के आए हैं। और देखिए अभी मैं मार्केट गई थी सुबह की, अभी की सुबह की सेवा पूजा होकर थी सब हो चुकी है, अभी मैं थोड़ा मार्केट निकली थी तो सासू माँ ने फूल की लड़ी वगैरह इस टाइम मिलती है ना मार्केट में तो मंगवाई थी, तो वही सब लेकर आई हूँ उनके लिए वहाँ के लिए। और साथ ही कुछ दीपक वगैरह भी और एक्स्ट्रा लेने थे तो वो सब भी देखिए लेकर आई हूँ अभी। तो देख सकते हैं फल फ्रूट्स वगैरह लेकर आई हूँ, और फूल माला कुछ और लेने था वो भी लेकर आई हूँ, और कुछ डिज़ाइनर दीपक वगैरह कल उतना नहीं मैं ले पाई थी वो सब फिर लेकर आई हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ। तो देखिए एक इस टाइप की एक मटकी टाइप की मैंने ले ली है, गर्मी में पानी वगैरह रखने के लिए ढक्कन समेत है। और ये देखिए एक अगरबत्ती स्टैंड मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने लिया, और देखिए ये मटकी टाइप की एक है, और ये सब दिए तो जो है लिए हैं। और ये देखिए डिज़ाइनर दिए हैं, ये एक कछुआ टाइप का ये टाइप का है तो, और देखिए ये सब दिए भी लिए हैं, डिज़ाइनर दिए हैं, तो सब कुछ ये सब लिए हैं देख सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगा, डिज़ाइनर दिए मुझे बहुत पसंद है सजाना कलेक्ट करना, तो इसीलिए मैंने देखिए देखिए ये सब लिए हैं। तो देखिए ये सब लिए हैं, देखिए ये सब डिज़ाइनर दिए लिए हैं। और बत्ती एक बच्चे बेच रहा था तो उसके पास फिर ये बत्ती भी लिए हैं, दिए का बत्ती था फिर लिए। देखिए ये सब दिए मैंने पानी में भिंगो के रखा है, मैं हर साल ऐसे करती हूँ, हर दिए को पानी में भिंगो देती हूँ, उसका डस्ट वगैरह भी निकल जाते हैं और उससे जो है जो पानी एक्स्ट्रा रहता है सोख करना वो सोख करके फिर बाकी निकल जाते हैं। तो ऐसे आप भी कर सकते हो, धो के रख दिया दिए सब।
सो फ्रेंड्स, अब मैं तैयार हो चुकी हूँ, देख सकते हैं मैंने आज कुछ इस तरह का एक दिवाली स्पेशल ड्रेस पहना है। डायना भी कुछ इस तरह का रेडी हुई है और स्टूडियो कुछ इस तरह का रेडी हुई है। तो अब मैं पूजा शुरू कर रही हूँ, दिवाली का दीपक जला रही हूँ, पूजा शुरू कर रही हूँ। तो चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं, हाथ में भी अगरबत्ती ली हुई है, तो पूजा चलिए स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लोभान गूगल भी बोल सकते हैं, तो ये मैंने लिया है, ये जलाया है मैंने, आज दिवाली है तो इससे क्या कि घर की पूरा नेगेटिविटी पूरा सब निकल जाते हैं। तो इसीलिए देखिए पूरा घर में मैं इसका पूरा धुआं जो है पूरा कर दूंगी अच्छा से। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ बीफे और सनीचर, तो आज आज बीफे सनीचर नहीं है, बट आज जैसे कि दीपावली है तो आज इसीलिए मैं दे रही हूँ। हर बार हम दोनों फल की थाली रखते हैं माता लक्ष्मी जी के पास, तो इस बार भी लग रखेंगे फल की थाली। तो देखिए फल का थाली ले लिया है और फल की थाली अब माता लक्ष्मी जी के पास रख रहे हैं। मैं देखते माता लक्ष्मी जी का जो देख लक्ष्मी गणेश जी के पास फल की थाली रखी हुई यहाँ पर। अभी फिलहाल शाम की पूजा संपन्न हो चुकी है, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा, तो देख सकते हैं लक्ष्मी गणेश जी की पूजा संपन्न हो चुकी है, पूजा की जगह कुछ इस तरह की लग रही है अभी। अब मैं जो न्यू दिया लाई थी वो मैं जब मैं रेडी हूँ, अब मैं जो न्यू दिया लाई थी अब मैं वो दिया खोलूँगी, ये दिए की थाल मैं रेडी करूँगी, दिए की थाल रेडी करूँगी। थाल पूरा रेडी है, देख सकते हैं दिया की थाल पूरा रेडी है, तो अब आरती कर लेंगे हम साथ में। आइए जी आरती कर लेते हैं, जल्दी आइए, दिखाइए संदीप जी कैसे लग रहे हैं, हम लोग का जोड़ी देखिए कैसा लग रहा है, दोनों एक ही पहने आज फिर से, क्या हो गया, क्या बोलते हैं उसे, कोइंसिडेंस, हाँ कोइंसिडेंट हो गया। तो देखिए चलिए हम लोग फिर आरती कर लेते हैं। तो दिखाओ आरती लड्डू गोपाल जी का, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली आप सभी को हमारी तरफ से, हैप्पी दिवाली। सो फ्रेंड्स, पूरी तरीके से पूजा संपन्न हुई, देख सकते हैं सिनारियो कुछ इस तरह की है अभी की यहाँ की। अब मैं अपने मेन एंट्रेंस के डोर पे आ गई हूँ, यहाँ मैं रंगोली बना के गई थी कुछ देर पहले, तो यहाँ अभी थोड़ा सा फूल से रंगोली बना दूंगी साइड साइड में, और उसके बाद फिर यहाँ पर दीपक लगा दूंगी। रायमा बहुत जिद कर रही है दीपक लगाने के लिए, दिया लगाने के लिए, लेकिन मैं उसे मना कर रही हूँ कि नहीं बेटा हाथ में आग वाग लग जाएगी, लेकिन फिर भी एक दिया लास्ट में उसको चांस दूंगी दिया डालने के लिए, नहीं तो फिर गुस्सा हो जाएगी। तो चलिए दीपक लगा देती हूँ, दिए लगा देती हूँ, दिए सजा देती हूँ, उसके बाद फिर दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, एक बार बढ़िया तरीके से दर्शन करवाती हूँ, आज मेरे सब बच्चे कैसे सज के रेडी हुए हैं, तैयार हुए दिवाली स्पेशल। संदीप जी ने जो लाइट्स वगैरह लगाई थी बालकनी में, तो कितनी अच्छी लग रही है उनकी डेकोरेशंस देखिए।
अभी हम काली मंदिर जा रहे हैं हम लोग, तो काली मंदिर में वहाँ पूजा वगैरह देंगे। तो देखिए मिस्टर राइमा रेडी है, तो हम लोग काली मंदिर जा रहे, काली मंदिर होकर आ रहे हैं। तो संदीप जी भी रेडी है, हो गई हैं। तो चलिए काली मंदिर होकर आते हैं, उसके बाद फिर पटाखे शटाखे फोड़ते हैं थोड़ा बहुत, और उसके बाद फिर मिलते हैं। भाई गर्दन दर्द है, मत सा सामने मत कर, रात को सा
इसी का 1400 रुपये दाम देंगे आपसे। देखिए हाट भी रात के प्रसादी में लक्ष्मी गणेश जी को बताशे पानी का भोग। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हुई आज की वीडियो संपन्न। तो कैसे लगी ये फुल व्लॉग, आज की जो है दिवाली स्पेशल व्लॉग और गणेश लक्ष्मी जी की पूजन व्लॉग, जरूर से बताइएगा फ्रेंड। सो फ्रेंड, वीडियो कैसे लगे जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी करके जरूर से जाइएगा। और मिलती हूँ न्यू किसी वीडियो के साथ, न्यू किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण एंड राधे राधे। और फिर मेरे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी ना मत जाइएगा। और उसके साथ ही फ्रेंड, वीडियो को बहुत 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 शेयर कीजिएगा और लाइक्स करना मत भूलिएगा फ्रेंड। तो मिलती हूँ न्यू किसी टॉपिक के साथ, न्यू किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण एंड राधे राधे।